नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की अपनी रिवीजन की कक्षा में हम पूर्णांकों पर संक्रियाओं का रिवीजन करेंगे। पूर्णांकों में योग कैसे होता है, आपको उसमें साइन का यानी कि प्लस और माइनस के साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब दो प्लस संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो वो आंसर भी प्लस में ही आता है, प्लस 6 प्लस प्लस 4। आपको पता है कोई भी संख्या ऐसे ही लिखी हो तो उसका मतलब प्लस में ही है, वो माइनस के लिए माइनस लगाया जाता है, लेकिन जब संख्या खाली अकेले लिखी है इसका मतलब वो प्लस में है। तो 6 और 4 प्लस 10 आएगा और 7 प्लस 5 भी 12 आएगा, इसका मतलब प्लस 12 ही है। दो ऋण पूर्णांक यानी कि ऐसे पूर्णांक जिनका माइनस में भी आंसर हो या जो पूर्णांक माइनस में हो उनका योगफल ऋण पूर्णांक होता है। जब माइनस माइनस प्लस होता है तो वो माइनस होता है। जैसे माइनस 6 में माइनस 6 को जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगा, 6 प्लस 6 12 भी आएगा, मगर साइन माइनस का रहेगा। ऐसे ही माइनस 8 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो वो हमें माइनस 11 आएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा माइनस 12, और माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, दोनों संख्याएं माइनस में ना, बीच में गुणे का या भाग का तो कोई चिन्ह लगा नहीं है, ये माइनस में ये माइनस में, इसका मतलब इन दोनों को जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस हैं। तो जुड़ने के बाद 8 और 3 तो 11 ही होता है, लेकिन क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए साइन जो है वो माइनस का लगेगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों संख्याओं में से एक माइनस हो और एक प्लस, तो होता तो हमेशा माइनस है और चिन्ह वो लगता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे माइनस 6 में हमें प्लस 4 को जोड़ना है तो ये घटेगा ही, इसमें 6 में 4 जोड़ के 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे घटेगा क्योंकि एक संख्या माइनस में है। लेकिन 6 में से 4 घटाने पे आंसर तो 2 आया, लेकिन 4 छोटा होता है 6 बड़ा होता है और 6 के आगे माइनस लगा है इसलिए 2 के आगे भी माइनस लगेगा। जबकि अगर ऐसा ना हो, इसका उल्टा हो, यानी माइनस 12 में प्लस 15 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, तब भी घटेगा, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, लेकिन यहाँ पे 12 छोटी संख्या है और 15 बड़ी संख्या है और 15 में प्लस लगा है तो 3 के आगे भी प्लस लगेगा। एक और एग्जांपल है, माइनस 7 प्लस प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस 4, 7 में से 3 गया 4 और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 7 बड़ी संख्या जो है वो माइनस में है। और ऐसे माइनस 10 प्लस 12 तो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, क्योंकि एक संख्या प्लस में थी एक माइनस में थी तो हमेशा घटेगा इसलिए 12 में से 10 घटा दिया, लेकिन संख्या पे जो निशान लगा वो प्लस रहेगा क्योंकि 12 प्लस में है। अब हम प्लस लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हिडन साइन हमेशा प्लस छुपा होता है हर संख्या में अगर नहीं लगाए। दो ही साइन तो होते हैं, प्लस या माइनस, अगर कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब प्लस है, और अगर माइनस होता तो माइनस लिखना ज़रूरी है। और दो असमान चिन्हों का जो योगफल होता है प्लस 5 है और माइनस 5 है, जब इन्हें हम जोड़ते हैं तो हमेशा शून्य आता है, ज़ीरो आता है, और ज़ीरो पे कभी भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाया जाता है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आपने तब ये क्वेश्चन किया था, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, माइनस 4 प्लस माइनस 5, तो ये माइनस में है ये माइनस में है, तो आपको पता है कि इन दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और साइन माइनस का होगा तो ये हो जाएगा माइनस 9। ऐसे ही माइनस 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 3 जुड़ा 6 और साइन रहेगा माइनस का। अब इसी तरह अगर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो हमेशा घटेगा, तो 7 में से 5 गया तो बचा 2, लेकिन माइनस 7 जो है वो बड़ी संख्या है इसलिए 7 बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, इसका आंसर होगा माइनस 2। और दोनों संख्याएं जब प्लस में हैं तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 जुड़ के बनता है 9 और ये इसका आंसर होगा प्लस 9। एक प्लस और माइनस वाली और देख लीजिए, माइनस 3 प्लस 0 तो इसका आंसर माइनस 3 होगा क्योंकि 0 जुड़ने पे संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। 13 जो प्लस में है उसमें माइनस 10 को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में तो ये माइनस ही होगा, लेकिन 13 में से 10 गया तो बचा 3 और 13 बड़ी संख्या है 10 छोटी संख्या है, 13 जो है प्लस में है इसीलिए आंसर होगा प्लस 3। कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो ये बात सही है। किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, ये भी सही है। पूर्णांक यानी कोई मान लीजिए प्लस में है, प्लस 10 है, योगात्मक प्रतिलोम माइनस 10 है, तो प्लस 10 और माइनस 10 जीरो होगा, अभी आप ये चीज़ आज के रिवीजन में देख चुके हैं। एक ऋण और एक धन हो संख्या, उसका योगफल हमेशा धन पूर्णांक होता है, नहीं,
क्योंकि माइनस में आता है, धन पूर्णांक होने का मतलब है प्लस में जो आंसर आ रहा है वो है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? नहीं, ऋण पूर्णांकों का योगफल तो होता है, संख्याएं तो जुड़ जाती हैं, मगर वो माइनस में आता है। धन पूर्णांक होने का मतलब है कि जो पूर्णांक आ रहा है यानी आंसर आ रहा है, जो संख्या आ रही है वो धन में, प्लस में है। प्लस को धन कहते हैं और माइनस को ऋण कहते हैं। शून्य एक ऋण पूर्णांक है, गलत। शून्य एक धन पूर्णांक है, ये भी गलत। शून्य न ऋण पूर्णांक है न धन पूर्णांक है, बस एक पूर्णांक है, और किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये बात सही है। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, धन्यवाद।